إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. ولا ولا حول ولا إلا بالله العلي उीम आमीन अलहमदिल्ला आज 21 मार्च 2021 की कुरान क्लास नंबर 72 की स्टूडियो रिकॉर्डिंग होने जा रही है अब हमारी कुरान क्लासेस भी दोबारा से स्टूडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर शिफ्ट हो गई हैं मजालिस तो पहले ही थी और उसमें कई एक हैं जिसमें सबसे बड़ा मसला हमारे लिए इंतजामी इशू है इतवार वाला जो मुलाकात का सिलसिला है वो उसी तरीके से जारी है लेकिन उसमें आप लोगों ने जब आना है तो कोशिश करें ग्यारह बजे तक यहाँ पहुँचें और बहुत लेट भी कोई पहुँचे तो वो एक बजे से पहले एंटर हो सकता है एक बज के एक मिनट पर भी आपको किसी ने एंटर नहीं होने देना और अगर आपने गुफ्तु मेरी क्वेश्चन आंसर मुझसे करना है तो फिर आपको 11 बजे इधर होना चाहिए क्योंकि वो 11 से एक के दरमियान ये पूरी मजलिस हमारी मुकम्मल हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह तो ये मैंने जिमन इस हवाले से अर्ज कर दिया पिछली जो हमारी 71 नंबर क्लास थी उसके जो 55 मिनट्स थे उनमें से आलमोस्ट तीस मिनट आधी क्लास हमने सूर्य अनसा की आयत नंबर 48 के कॉन्टेक्स्ट में कवर की थी जो सूरतनसाह में दो दफ़ा आई है थोड़े से अल्फाज के फ़र्क के साथ सूरतिससाह की आयत नंबर फोटी एट है आऊदबिल्लमिनयरम बसमीम यगफरुन युशरा कबी बेश्ल इस गुनाह को तो कभी मुआफ़ नहीं करेगा ये क्यामत के दिन की बात हो रही है दुनिया में मुआफ़ कर देगा अगर किसी ने सच्ची तोबा कर ली वो तो सूरतफ़ुरक़ान में आया कि अगर कोई शख्स शिरक से भी तोबा कर ले तो हम उसके गुनाहों को भी नेकियों से बदल देंगे अलहद ये आखिरत की बात हो रही है अल्लाह इस गुनाह को कभी माफ़ नहीं करेगा कि कोई शख्स आखिरत में अल्लाह के हजूर इस हाल में पेश हुआ कि उसने दुनिया में शर्क किया हुआ व यक फिर मदू नजाल कलीमय शाह और इसके अलावा जितने गुनाह हैं मुआफ़ कर देगा लेकिन वो भी ओपन लाइसेंस नहीं जिसके लिए चाहेगा वमा युशरक बिल्ला फ़द्तरा इफ़मन अवीमा और जो कोई अल्लाह के साथ शर्क करता है तो बेशक वह बहुत बड़ा गुनाह है जो कर रहा है बहुत बड़ा झूठ है जो अल्लाह की तरफ मनसूब कर रहा है बस ये जो आखिरी हिस्सा है ना, ये दूसरी आयत जो आती है आगे चल कर सूरत की आयत नंबर वन सिक्सटीन उसमें आता है वो युशरक बिल्ला यहाँ तक तो वही है फ़क़द वालम बीदा तो वह शख्स गुमराह हुआ और गुमराही में भी दूर जा के गिर पड़ा तो जब वो आयत आएगी फिर हम तफसी गुफ्तू नहीं करेंगे चूँकि अब इस पर हम आलमोस्ट अलहमदिल्ला उम्मीद है कि ये आज की पूरी क्लास मिला कर तकर तकरीब डेढ़ घंटे की गुफ्तु टोटेलिटी में हो जाएगी इन शिछली दफ़ा भी अर्ज़ किया था कि शिरक इज़ दोस्ट सेंसिटिव इशू इन दाइट ऑफ अल्लाह अल्लाह के हुजूर सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा हसास मामला शिरक का है और यही वजह है कि यह गुना मुआफ नहीं होगा और कोई शख्स यह स्टेटमेंट भी नहीं दे सकता कि अगर अल्लाह चाहे तो शिरक मुआफ कर सकता है यह भी कुफरी है क्योंकि तो यह मुहाल है और महाल और मकदूर को ये समझें कि महाल वो चीज़ है कि जो अल्लाह ताला ने पर्मांटली उसको उस तरीके से तय कर दिया अब उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी यानी कोई शख्स ये कहे कि क्या ये पॉसिबल है कि अल्लाह ताला नबी सल्ला वसम के बाद किसी पैगम्बर को भेजे पैगम्बर की हैसियत से एक तो उम्मती वाला हमारा क़ीदा है न सैदना ईसा के लिए वह तो फॉलो करेंगे अल्लाह के महबूब सल्ल वम को जो सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है थ्री नाइन्टी फोर नंबर बुखारी मुस्लिम दोनों में है कि ईसा इबन मरियम तुम में ज़रूर उतरेंगे और एक आदिल हुक्मरान की हैसियत से सलीब को तोड़ देंगे खंजीर को कत्ल कर देंगे जिजिया मौकूफ़ कर देंगे यानी जिज़िया देने वाला ही कोई नहीं होगा यानी लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे अलबत्तः जो मुस्लिम के अल्फाज हैं ना थ्री नाइन्टी फोर नंबर जो हदीस है उसमें वो रावी हदीस कहता है कि वो तुम्हें तुम्हारे रब की किताब और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक चलाएंगे। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो कोई नई शरीयत लेकर नहीं आएंगे बस ये एक एक्सेप्शन है तो अगर कोई ये स्टेटमेंट दे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वम के बाद कोई नबी आए और इससे ख़त्म नबूत में फ़र्क ना पड़े या अल्लाह तो कुदरत रखता है कि भेज दे तो हम कहेंगे कि ये महाल है इसमें अल्लाह की कुदरत का नक्श नहीं है बल्कि ये अल्लाह कलेमात को बदलने वाली बात है जो झूठ बोले वो अल्लाह नहीं है और जो अल्लाह है वो झूठ नहीं बोलता लिहाजा ये चक्कर नहीं है कि कुदरत में दाखिल है कि नहीं इसी तरीके से ये स्टेटमेंट देना कि अल्लाह चाहे तो मूसा इस्लाम को नाउदबिल्ला जहन्नम में और फिरौन को जन्नत में भेज दे तो हम इस पर क्या जुमला बोलेंगे ये मुहाल है इसमें यह बहस नहीं है कि कुदरत में दाखिल है या नहीं है हर वो चीज जो अल्लाह ने तय कर दी है मुहाल के तौर पर उसको अल्लाह की कुदरत में दाखिल करना खुद गुमराई है और मकदूर वो चीज होती है कि जो अल्लाह ने अभी तक की नहीं है लेकिन उस पर कादिर है मसला अगर कोई शख्स कहे कि अल्लाह ताला क्या ऐसी सीढ़ी बना सकता है कि हम जमीन से आसमान तक पहुंच जाए तो हम कहेंगे हमारे इल में कोई ऐसी सीढ़ी नहीं है लेकिन हाँ अल्लाह को कुदरत हासिल है Allah चाहे तो सुई के नाके में से ऊंट गुजार सकता है फिजिकल वर्ल्ड में तो ये इंपॉसिबल है हमारे लिए हां अल्लाह गुजार सकता है लेकिन कभी गुजारा ऐसी कोई बात रिपोर्ट नहीं हुई तो हम ये कहेंगे ये चीजें अगरचे हुई नहीं है लेकिन ये है मकदूर कुदरत में ये पॉसिबल पॉसिबिलिटी मौजूद है लेकिन जिस चीज की पॉसिबिलिटी कुदरत में दाखिला नहीं कर सकते अब जाहिर अगर यह भी स्टेटमेंट आप दे देंगे कि अल्लाह को कुदरत नहीं है तो वो आप पे लोग फतवा लगाना शुरू कर देंगे इन अल्लाह अलाकुल्लीशैन कदीर के हवाले से हालांकि उनको नहीं पता है कि बाकायदा इल्म कलाम की बहसें हैं पूरी इन अल्लाह अलाकुल्लीशैन कदीर का मतलब कतन ये नहीं है जो अवामुलनास लेती है इसलिए आपको बताया गैर मुस्लिम ने आज से कई साल पहले डॉक्टर झकिर नाइक से इसी हवाले से सवाल किया था तो उसने कहा कि हमारा कतन मुसलमानों का यीदा नहीं है कि अल्लाह ताला हर चीज़ कर सकता है बल्कि वो चीज़ कर सकता है जो उसकी कुदरत में दाखिल है और जो उसने खुद अपने लिए मुकर की है कि ये चीज़ें मुहाल हैं वह हम उसकी कुदरत में दाखिल भी नहीं करेंगे अब ये प्योरली एक इल्मी बहस थी अब सऊदी अरब के जो एक शेख हैं शेख साले, फौजान या फौजन क्या नाम है उनका उनको किसी ने सवाल कर दिया कि एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं नाम लिए बगैर और वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है ये हमारा अकीदा नहीं है और बस इसी स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने कहा ये बंदा काफिर है हालांकि इन उलमा के पास कोई फ़िक होती तो ये सोचते कि एक अगर एक इंटरनेशनल स्पीकर है जो लोगों को इस्लाम की दावत देता है उसको किसी हल्के कुत्ते ने काट लिया कि उसने ये कहना है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादर नहीं है ये मुझे आगे कोई सवाल करे तो मैं फौरन कहूंगा कि यार वो जो बात की होगी वो महा मुहाल और मकदूर की कॉन्टेक्ट में हो रही होगी उन्होंने पकड़ के सीधा सीधा फतवा लगा दिया मैंने फिर उस अरब के मौलाना के ऊपर गिरफ्त की वो आलमोस्ट आप समझ लें बड़े लेवल की मुफ्ती हैं अरबी तो वो फिर अहले दीश मेरे खिलाफ हो गए जी इतने बड़े शेख हैं उनके बारे में आपने बात कर दी उस शेख ने एक मुसलमान पर कुफर का फतवा लगाकर ख़ुद उसकी तरफ कुफर लौटा उसके ईमान की फिक्र नहीं है उसका निकाह भी टूट गया तौबा करवाए उससे उससे तोबा कराने के बजाय मेरे पीछे पड़ गए इस तरीके से अगर आप किसी पे कुफर का फतवा लगाएंगे कैटागोरी तो बुखारी मुस्लिम की हदीस है अगर किसी ने किसी मुसलमान को कहा ए काफिर और ए फासिक तो दोनों में से एक हो गया अगर वो कहने वाला दुरुस्त था तो जिसे कह रहे कि वो हुआ हो जाएगा और अगर कहने वाला गलत था तो फिर कुफर उसकी तरफ लौट आएगा तो ये मुहाल और मकदूर की चीज़ें इल्म में होनी चाहिए अक्सर इस किस्म के सवाल होते रहते हैं कि जी क्या अल्लाह ताला ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे खुद ना उठा सके तो हम इसके जवाब में क्या जवाब दें अगर आप ये कहेंगे कि हाँ बना सकता है तो दूसरी कुदरत की नफी होगी कि उसे उठा नहीं सकता ठीक है कितने ट्रिकी सवाल हैं एक तरफ उठाने की नफी होगी और एक तरफ जो है वो कुदरत के हवाले से नक्स आ जाएगा कि अच्छा फिर तो बना ही नहीं सकता ऐसा पत्थर और अगर बनाएगा और खुद नहीं उठा सकता तो दूसरी कुदरत की नफी हो जाएगी और अगर ना बना सके तो बनाने की कुदरत की नफ़ी हो जाएगी तो इन सारे सवाल के जवाब में हम कहते हैं मुहाल। ये मुहाल है ये मकदूर चीज़ें नहीं हैं तो ये मुहाल और मकदूर के अतबार से कई एक चीज़ें ये उस वक्त अबाला इस्लाम में आ गई जब इलम्ल कलाम की चीज़ें जो हैं फ़लासफ़ा का नॉलेज अरबी ज़ुबान में ट्रांसलेट हुआ बन अब्बास के दौर के अंदर तो फिर अल्लाह ताला की और सिफात के हवाले से भी ये सारी बहसें शुरू हो गई और उसी वक्त फिर सिफात के हवाले से मुसलमानों ने किताबें लिखनी शुरू किं इस्तवाल अर्श का अकीदा उसके हवाले से अख्तलाफ़ फिर अल्लाह ताला की जो माइत है इंसान के साथ नाहनुकरबिलहबलवरीद हम तुम्हारी रगे जहाँ से ज़्यादा तुम्हारे करीब होते हैं ये सारी बहसें उस वक्त फिर शुरू हुई तो जो एक एक्स्ट्रीम पे कि गए चले गए उनको जाहमियाँ कहना शुरू कर दिया दूसरे एक्सट्रीम वालों को मुजस्मा कहना शुरू कर दिया और वो बैसे आज तक चल रही हैं अहले हदीस जो हैं वो हनफियों को कहते हैं ये जहमी हैं और जो हनफ़ी हैं वो अहिल हदीसों को कहते हैं ये मुजस्मा हैं अल्लाह ताला के लिए आज़ाद तजवीज़ करते हैं हालांकि ये दोनों बिल्कुल एक्सट्रीम हैं दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे होते हैं वो बात को समझने में फ़र्क लग जाता है इसलिए इन चीज़ों को मौज़ बहस नहीं बनाना चाहिए ना ये ऐसी कोई तोहैद की चीज़ें हैं और शर्क से मुतल हैं कि जिनको ज़ेर बहस लाया जाए बस इनके बारे में यही चीज़ें हैं कि आपको बुनियादी तौर पर मुहाल और मकदूर का फ़र्क पता हो फिर आप उसके बाद ये देखेंगे कि अल्लाह तला के कलमात कोई नहीं बदलेंगे ये तो तय है और अगर कोई शख्स ये कहता है कि जी अल्लाह अपने क्लेमात पर बदलने पर कादिर नहीं है तो इसका मतलब है उसकी कुदरत का नक्स है नहीं बल्कि चीज का नक्स है कि वो अल्लाह की कुदरत में दाखिल नहीं है तो इस किस्म के और कई बहस हैं मैं उसको स्किप करता हूँ बहरल मैंने पिछली दफा भी अर्ज किया कि अल्लाह के हजूर शिरक बहुत सेंसटिव इशू है इसीलिए हमारी आप देखें कुरान क्लासेस में मैं बहुत ज्यादा तोहैद के हवाले से एम्फसाइज करता हूँ और मैंने आज से कई साल पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी थी, थी मसला नंबर थ्री के नाम से दुआ सिर्फ अल्लाह ही से आलमोस्ट आठ नौ साल होने को आए हैं वो हज़ारों लोगों की अकीद की असलाह का सबब बना है लेक्चर और उस लेक्चर के अंदर मैंने अपना एक रिसर्च पेपर जो है वो कवर किया था रिटर्न फॉर्म में सारा तो कवर नहीं हो सका था लेकिन उसके मोटे मोटे पॉइंट्स मैंने कवर किए थे और रिसर्च पेपर ये है दुआ सिर्फ़ अल्लाह ही से ये आलमोस्ट आठ सफ़ों का रिसर्च पेपर है और इसमें ये जितने भी धोखे दिए जाते हैं अमूम तोहद के ख़िलाफ़ जो लोग खड़े हैं शैतान के बहकावे के अंदर उनके एक एक चीज़ का जवाब अल्लाह के फजल से इसके अंदर मौजूद है कुछ चीज़ें तो मैंने पिछली दफ़ा कर कर दी थी कुछ इसमें कर दूंगा और बाकी आपको शौक है तो हमारी वेबसाइट अहल सुनत पाक डॉट कॉम से इसका पी डी एफ डाउनलोड करें और अगर आपने इसकी हार्ड कापी मंगवानी है तो नो प्रॉफ़िट नो लास्ट के ऊपर बल्कि आप ये कह लें कि फ्री आते हैं सिर्फ टी सी एस का आपने तीन सौ रुपया देना है तो 12 का पैकेज आपके घर बिल्कुल फ़्री आ जाएगा टीसीएस का ख़र्चा ही तीन सौ रुपया जिसमें नौ रिसर्च पेपर्स होंगे और तीन अजकार कार्ड उसमें करबला वाला रिसर्च पेपर भी शामिल है और ये रिसर्च पेपर नंबर थ्री भी इसमें शामिल है तो इन शाली आप इसको पढ़ें पी डी एफ इसका पढ़ें और अपना अकीदा सही करें आठ सफ़े ज़िंदगी में एक दफ़ा तो इंसान मेहनत करके पढ़ सकता है मैंने इसलिए कोई मोटी किताब नहीं लिखी आप मैं आपको तहदीस नमत के तौर पर कहता हूँ इसके अगेंस्ट आप चार चार सफ़ों की भी किताबें पढ़ लेना तो वो तमाम वसफ से और वो सारी चलाकियाँ जो शैतान नेमाय सू को सिखाई हैं अवाम को तोहेद से दूर करने के लिए उनके जवाब आपको कुछ के मिल जाएंगे कुछ के नहीं मिलेंगे और किताब पढ़ने का किसी के पास टाइम ही नहीं है वरना लोग अलग की किताब ही पढ़ लेते इतनी मोटी इसलिए आप देखें हम रिसर्च पेपर छोटे छोटे लिखते हैं मेजॉरिटी रिसर्च पेपर्स हमारे चार चार पेजेस के हैं सिर्फ़ एक करबला वाला है वो भी उलमा के फितने की वजह से थोड़ा बड़ा हुआ और वो बत्तीस सफों तक पहुंचा बाकी सब चार चार पेजेस के हैं और ये आठ का है यानी जो नौ रिसर्च पेपर्स हैं उनमें से सिर्फ दो हैं जो चार से बड़े हैं अदरवाइज बाकी सब चार चार पेजेस के हैं दो वर्के और चार पेजेस पिछली दफा मैंने कई एक अहादीस कवर की थी और चूंकि ये आयत खुद ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह शिर के अलावा हर गुनाहों को माफ कर देगा हर गुनाह को सवाय शिर के जिसके लिए चाहेगा तो इसके बाद तो किसी और आयत की गुंजाइश नहीं रहती लेकिन फिर भी मैं कुछ आयात जो इस सच पेपर के स्टार्ट में मैंने लिखी हैं है बरकत के लिए दो तीन आयात यहां पर डिस्कस कर लेता हूं उससे आपको मजीद तोहेद की अहमियत और शिर की सेंसटिविटी का पता चलेगा एक तो वो आयत है सूरत नाम की आयत नंबर एटी एट जिसमें अल्लाह तलमोस्ट ने बाई नेम अट्ठारह अंबिया के नाम एग्जैक्टली अट्ठारह अंबिया के नाम जिक्र किए हैं। कुरान में अंबिया इक्राम के नामों का सबसे बड़ा गुलदस्ता जो है ना वो सूरत नाम की वो आयत है एटी एट नंबर और उसके साथ एडजेंट तो एटी एट आयत में जाकर अट्ठारह अंबिया का बाई नेम जिक्र करके आखिर में अल्लाह तारा ने अपना फतवा सुनाया श्रकू लान हूम माकान या मलून अगर यह भी शिरक करते होते तो हम इनके भी सारे माल बर्बाद कर देते इससे ज्यादा आपका रब मेरा रब आपको कैसे समझाए कि शिरक इज मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह अच्छा और दूसरी आयत जो स्पेसिफिकली हमारे महबूब सलम के लिए आई सूर अजुमर की आयत नंबर सिक्सटी फाइव

जाहरा कि अंबिया के, के जरिए उम्मतों को भी और फिर सर जिस शान से ईसा मरियम का आया ना जी सूर्य अलमा की आयत नंबर सेवेंटी टू में चूंकि इस वक्त इंसानियत में सबसे बड़ा शिरक परस्ती के नाम पर नहीं है एक पैगंबर के नाम पर खड़ा हुआ है यार बुधप्रस्त तो इस वक्त दुनिया में हार्डली अस्सी नब्बे करोड़ होंगे वह भी आस्ता आस्ता सेकुलर ही हो गए लेकिन पौने दो अरब क्रिश्चियंस शिरक कर रहे हैं एक पैगंबर के नाम के ऊपर उसमें पैगंबर का कोई कसूर नहीं है जीसस क्राइस्ट ने कभी उनको शिरक तालीम नहीं किया तो अल्लाह ताला ने क्रिश्चियंस को समझाने के लिए और मरियम की सफाई के लिए उनकी तरफ से सफाई पेश करने के लिए पुराने हकीम में सूरत की आयत नंबर सेवेंटी टू में बेशक वो लोग खुला कुफर कर रहे हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ही ईसा इबन मरियम है ना बिल्ला। ये प्रोटेस्टेंट का ही यकीद है कि अल्लाह ईसा की शक्ल में दुनिया में उतर है आगे चलकर सेवेंटी थ्री नंबर आयत में अल्लाह ने कैथोलिक की भी नफी की है लकाल साल सा बेशक वो भी खुला कफर कर रहे हैं जो कह रहे हैं तीन खुदाओं में से एक है अल्लाह यानी गॉड द होली फादर और जब्रैल द होली गोस्ट और ईसा ईसीबन मरीम द होली सन इस्लाम के मुबारक ज़माने में हज़रत मरीम को ट्रिनिटी में शामिल किया गया था आज की जो ईसाइत है उसमें हजरत मरीम को निकाल के हजरत जब्राइल को डाल दिया उन्होंने बहरा अल्लाह ने कहा यह कुफर है वो जो सेवेंटी टू नंबर आए थे ना लक़्द कफ़र अल्लाधी नकाल्लामसी हबन मरियम उसमें अल्लाह ताला ने इसके बाद ही इसी आयत में फरमाया वकाल अल मसीह जबकि ईसा मसीह तो कहा करते थे या बनी इसरो औलाद याकूब इसराइल की औलादुल्ला रब्बी व रब्बकुम इबादत करो उस रब की जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है बिल्लाह। बेशक जिसने अल्लाह के साथ शिर किया हर्रम मिन ऐसे शख्स पे अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है और उसका क्यामत के दिन ठिकाना आग होगा और वहां उसका कोई मददगार नहीं होगा हत्ता के सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में यह हदीस है अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर पैगम्बर को एक ऐसी दुआ दी थी जो मकबूल दुआ थी वो उसने इस दुनिया में ही मांग ली अल्लाह से उसी दुआ के अगेंस्ट आपको पता है हज़रत नूर इस्लाम ने अजाब मांग लिया था अल्लाह ताला से अपनी कौम के अगेंस्ट और मैंने वो अपनी दुआ संभाल कर रखी है क़्यामत वाले दिन के लिए और इस दुआ के जरिए मैं अपने उम्मतियों की शफात करूँगा सोलादबर मोहम्मद वाल मोहम्मद अल्लीअ मोहम्मद मोहम्मद मेरी शफ़ात से मेरे हर उम्मती को नफा पहुंचेगा सवाए उस शख्स के जिसने दुनिया में अल्लाह के साथ किसी किस्म का शिरक किया हुआ हर एक शफात पहुंचेगी बहरल अब ये चीजें तो बिल्कुल वाज थी लेकिन सू ने अवाम को ऐसे धोखे दिए कि आज तक अवाम उन धोखों से बाहर नहीं निकल रही कभी वसीला और तवसल के नाम के ऊपर जिसकी जायज़ सूरतें बहुत सारी हैं इसानत का मसला ग़ैर को मदद के लिए पुकारना साबित किया कभी बहाना किया अताई का और ज़ाती का कभी फ़र्क डाला मुस्तकिल बिजात का और ग़ैर मुस्तकिल बिजात का ये सब कहानियाँ डाली जो मैंने वक्ता फ़क्ता मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के अंदर कवर की हैं और ये रिसर्च पेपर आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत कुछ इन शाला तता चल जाएगा इस हवाले से इसीलिए मैं कहता हूं कि कुरान हकीम का वही माना मोतबर है जो पहली दफ़ा कोई गैर मुस्लिम पढ़ के उसका माना ले मुसलमान का पढ़ा हुआ मोतबर नहीं होगा वरना मेरे भाइयों हजारों मुफसरीन हैं जो कुरान की तफसीरें लिख के मर गए हैं उनकी अपनी तो ये ठीक नहीं हुई है <laughs> क्योंकि मक्खी पे मक्खी मारते रहे अपने बुजुर्गों से सुना उसी तरीके से आगे ट्रैवल किया आप ईमानदारी से मुझे बताएं आज मैं अगर किसी गोरे के सामने ये स्टेटमेंट रखूँ इया का ईया का नस्ताइन अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं तेरी ही इबादत करेंगे क्योंकि मुजारे का सीख है तुट से मदद मांगते हैं तुझी से मदद मांगेंगे यानी दुआ तुट से दुआ करते हैं तुझी से करेंगे और आप उसको कहेंगे इससे किसी बाबे को पुकारना क्या साबित होता है तो वो भी आपको कहेगा यार ये तो बिल्कुल वाजे है कि तेरी ही तो इसके बाद तो कोई और दूसरे की नफी हो जाएगी लेकिन आप पाकिस्तान की करोड़ों वाम को मनवा के बताएं कुरान के पहले सफे का टेस्ट पास करने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे ऐसे बाने आपके सामने रखेंगे जो किसी के दिमाग में भी नहीं आएंगे और इसीलिए फिर वो आपको क्योंकि कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए बंदा गुमराह हो जाता है जाहिर है तो कुरान क्या किताबें कि 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 गुमराई है नाउज बिल्ला यह तो अकीदेही कुफर है अगर हम किसी काफिर को कहें कि ये लो ये किताब ले लो गुमराह भी हो सकते हो हिदायत भी पा सकते हो तो वो कहे यार अपने पास रखो लेकिन क़ुरान तो कहता है सुर अलबरा वन एटी फ़ाइव हदल नास व्यना तमिनदा वफुर् पूरी इंसानियत के लिए हदायत है और रोशन दलायल है हक़ और बातिल में तमीज़ करने वाली किताब अफ़ुरान है वो जो आया यू दिल्लु बिही कसीर वी बिही कसीरा वो तो बात ही कुछ और थी वो अल्लाह ने फरमाया जो अहले ईमान है जो बात मानने वाले हैं वो क़ुरान पर अमल करके हदायत पा लेते हैं और जो नहीं मानने वाले वो इस पर इतराज़ निकालते हैं अल्लाह ने इसके अंदर जो है वह सूरतबूत में क्यों मिसाल बयान की है मकड़ी की और मक्खी की सूरत हज में क्यों बयान की तो अल्ला फरमाते हैं हम तो इस बात से हया महसूस नहीं करते कि हम मच्छर की मिसाल बयान करें या उससे किसी अकीर चीज़ की हमारा बकसद बात समझाना है और जो अहले हक हैं वो इसको कबूल करते हैं और जो बाल की खाल उतारने वाले हैं वो इसके जरिए से और बिदकते हैं क्योंकि उन्होंने बात माननी नहीं इसलिए घुमराह होते हैं फास्की ये अगर किसी का कैदा ना जी कुरान लोगों को घुमराह करता है तो वह पक्का काफिर है उसके कुफर में शक करने वाला भी काफिर लेकिन गैर महसूस तरीके से यही कर रहे हैं कोई यहूदी ईसाई में आके के, के कुरानो उदीस डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे हम कहते हैं और अल्लाह के दुश्मन लेकिन वही यहूदी या कोई नामखतून जिसके खतरे नहीं हुए हुए हिंदू खूबसूरत दाड़ी रख कर पगड़ी पहन के मेम्बर पर पच्चीस पच्चीस तीस तीस साल तक मुफ्ती आज़म बन के किसी मुल्क के अंदर जुम्मे पढ़ाता रहे और लोगों को कहता रहे कि जी कुरान दिस डायरेक्ट ना पढ़ना तुम गुमराह हो जाओगे नीचे वाले सारे सुबहान अल्लाह पढ़ते रहते हैं उसी वक्त कोई यहूदी चढ़ के, के तो सारे कहते हैं लानती उठ तू कुरान दी इसका दुश्मन लेकिन ये जो दुश्मन है ये आपको नजर ही नहीं आता हाँ पाकिस्तान में कितने मुफ्ती नहीं पकड़े गए हैं ये जरब अजब और रद्दुल्फसाद में जिनके ख़तरे भी नहीं हुए हुए हैं हिंदू एजेंट हैं इंडिया के और मैं अक्सर सोचता हूँ उन मुफ्तियों की वजह से कितने नमाजियों ने दूसरे नमाजियों के साथ झगड़ा भी किया होगा कि यार तुम्हें तवीज नहीं मुफ्ती साहब से बात करने की काश उस वक्त उन्होंने खतरे चेक किए होते तो यहाँ तक मसला ही ना जाता हम ये कहते हैं ये कहते हैं बुज़ुर्गों के खतरे चेक करो खतने इसलिए कि पाकिस्तान में ख़तरे चेक होते हैं जो फसाद बचा रहे होते हैं तो अक्सर के नहीं निकलते हैं वो पता चलता है कि एजेंट है पुरानों के तो अब हम नहीं कर सकते क्योंकि तो बहुत तो हो चुके हैं तो मेरा ख्याल है ये हुकूमत लेवल पर येमा को डिग्री देते वक्त ना ये भी एक बीच में टेस्ट ऐड करना चाहिए वैसे आप वो पता नहीं फ़ौज में भी जब भर्ती होती है ना तो बायदा उसमें मुकम्मल मेडिकल टेस्ट होता है तो के मेडिकल टेस्ट में भी ये खतने जरूर देखने चाहिए। अब ये ना हो गए ला, और इन शाह जाते कहीं नहीं है तो इतना सेंसिटिव मामला है और ये इस तरह धोखे देते हैं लेकिन गैर मुस्लिम जब पहली दफा पड़ेगा वो कह यार वाजे लिखे इबादत भी अल्लाह की तो आप ही अल्लाह से मांग ली है अब मैं आपको टाइम थोड़ा ही रह गया चार वाक्यात ऐसे बताता हूं अपनी ज़िंदगी में तोहेद के हवाले से बातें तो करने को बहुत है मैं अगली भी पूरी क्लास इस पर कर सकता हूं लेकिन वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक बहरअल ये ऑलमोस्ट 2010 की बात है जब हमने नई नई एकेडमी बनाई उस वक्त तो हम चांदे के लोग ही थे और कभी कभार कोई हमारे दोस्तों में से किसी को पकड़ के भी ले आता था कि जी इनके साथ आप इल्मी कोई उजादला कर लें जिसे मुनाजरा कहते हैं उलमा तो वह एक दफ़ा एक भाई एक एकशिया जाकिर को लेके आ गए और मौजू तय पाया या अली मदद के ऊपर भाई हमें लब्बई का या रसूल अल्लाह लब्बई का या हुसैन लब्बई का या अली कहने से कोई हमें चिड़ नहीं है मोहब्बत के सहार में आप कर लें लेकिन वंस आप उनको मदद के लिए पुकारेंगे तो हम कहेंगे ईया का नाबुदू व ईया का नस्तिन की वायलेशन हो गई है ये हमारा इख्तलाफ़ है हमारा ये झगड़ा नहीं है कि मौला अली मुश्किल कुशा आज की डेट में भी हैं या नहीं अपनी मुबारक ज़िंदगी में तो थे जाहिर है खैबर उखाड़ा उन्होंने लेकिन आज की डेट के अंदर जब बंदा दुनिया से चला गया तो आप उसको नहीं पुकार सकते ये झगड़ा नहीं है इख्तियार है या नहीं फरिश्तों के जरिए अल्लाह बारिश बरसाता है लेकिन हम बारिश अगर फरिश्तों से मांगेंगे मुशरिक हो जाएंगे सूरज के जरिए सारा दुनिया का निज़ाम चल रहा है उसकी रोशनी की वजह से लेकिन हम अलमदज या सूरज कहेंगे तो मुशरक हो जाएंगे क्योंकि हम इसबाब को पुकार नहीं सकते इसबाब सिर्फ इख्तियार करने हैं और वो भी ज्यादा वही करेंगे जो सामने मौजूद है उसका कुरान में हुक् हुक्म मौजूद है वतावन आलल बिर्र व तकवा वालास्म वेसगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराई के कामों में एक दूसरे की मदद ना करो जहरी इसबाब है बहर वो वही रटे रटाए उनके वो जो होते हैं लेम एक्सक्यूज़ेज़ वो ऑलरेडी हमने रिसर्च पेपर के अंदर डाले हुए हैं तो वो आए तो वो कहते हैं जी गैरुल्ला से मदद मांगना आप किस तरह शिरक कहते हैं मैंने कहा हम कहते हैं गैरुल्ला से मदद जो सामने आप ले सकते हैं ना हम गैरुल्ला को पुकारने को शिरक कहते हैं ना हम ये कहते हैं कि कोई शख्स दूर से नहीं सुन सकता अल्लाह चाहे तो सुना सकता है हजरत सलमान को कीड़ी की आवाज़ सुनवा दी थी हमें तो कोई अर्ज नहीं है ये झगड़ा नहीं है कि दूर से कोई सुन नहीं सकता या किसी को या कह के पुकार नहीं सकते नमाज में पढ़ते हैं असलम आलई का यूहन नबीयू बुखारी मुस्लिम हदीस है जब तुम ये पढ़ोगे असलम आलैना वाल इबादिल्लिन तो अल्लाह ताला ज़मीन वस्मान में हर नेक बंद तक तुम्हारा सलाम पहुँचा देगा या रसुल्ला कह के सलाम भी पढ़ता रहे पहुँचा देता है झगड़ा यह कि मदद के लिए किसी को नहीं पुकारना वो है इया का ना व इैया का नस्ताइन कहता है जी कुरान में लिखा है कि गैरुल्ला से मदद मांगे मैंने कहाँ लिखा है कहता है वसायीन बिससबरी वसला मैंने कही तो तुमने कभी मांगी नहीं होगी खुद भी इसका मतलब है मदद या नमाज अल मदद या सबर सोच में पड़ गया मैंने कहा अगला हिस्सा पढ़ो इन अल्लाह बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है इसी तरीके से जो उनकी हैं बहाने वो करता है मैं बताना पत, शुरू कहता कहता जी मैं बड़े मौलाना को फोन करता हूं आगा को फोन करता हूं <laughs> आगा को मिलाया ना फिर आगा के साथ जो उसने की ना स्पीकर मैं क्या आन कर आगा दी मैं भी सुना फिर क्या होती है वो आगा ने भी पहले यही आयत पढ़ी वस्ताईन बेसबरी वसरा वो कहते हैं आगा ही दे चुके गैर उलती मदद साबित होती है हालांकि थोड़ी देर पहले वो भी इससे साबित कर रहा था वो जो जो बात करता जाए तो मेरे साथ चुके बात कर चुका था एंड पे ये हाल हुआ उसका उन्होंने कहा जी ये तो हमारे पास तो कोई हमारे बड़ों के पास जवाब ही नहीं मैंने कहा जवाब तो होता है जब कोई मसला हो ये तो बिल्कुल वाज है एक चीज़ तोहिद के मामले में तो ये एक मेरी ज़िंदगी में एक अच्छे वाक़ात में से एक है। एक दूसरा वाक़ मैं आपको सुनाता हूँ ये ऑलमोस्ट बात है 2012 की हम लोग आई टेन की मस्जिद में नमाज़ उन दिनों पढ़ते थे दारुसलाम मस्जिद अहिल हदीस की और पास हमारा एक मकान हमने किराए पर लिया था बैचलर्स रहते थे हम तो वहाँ पे एक शी आलिम थे महक्क आलिम जाकिर नहीं आलिम फ़ोत हो गए हम अल्लाह ताला उनकी मफ़रत करे बड़ा उनके साथ मेरा अच्छा एक ताल्लुक़ था शुजा आब्बाश साहब तो उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया कि जी आए इफ्तार वगैरह हमारे साथ कर लें उनका ठीक है दो तीन दोस्तों के साथ वहाँ सात आठ हमारे भाई बैठे हुए थे जो अहले मकतब से थे तो कहने लगे जी साहब आप बड़ी मुदल गुफ्तु करते हैं और के मामले में मैं आपके साथ एगदी करता हूँ मैं भी सिर्फ़ अल्लाह ही को पुकारता हूँ लेकिन आप ये ना कहा करें कि यह आली मदद शेयर क्या आप ये कहा करें कि ये भी जायज़ है लेकिन बेहतर है कि अल्लाह को पुकारा जाए मैंने कहा यार तोहद के ऊपर तो कम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता हुसैन अली ने गर्दन कटाई है तो तोहद के लिए हमारे महबूब सल्लल्लाहु सलील वसल्लम ने अगर तकलीफ़ उठाई हैं और सारे नबियों ने वो तोहद को इस्टबलिश करने के लिए तो मैंने कहा ये वाजह है इैया का नाबदूआया का नस्तीन तो कहते हैं जी इसमें तो है कि तेरी इबादत करते हैं तुलिस से मदद मांगते हैं ये तो नहीं है कि किसी और से नहीं मांगते देखें एक पढ़े लिखे बंदे को जेब देता है कि जब तुझसे ही कहिए मतलब मैंने खैर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने कहा एग्री करता हूं आपके साथ मैंने कहा मेरे भाई कुरान लेके आए और मैंने कहा ये आपकी जो ऑडियंस है ना आपके स्टूडेंट्स जो बैठे हैं इधर ये फैसला करेंगे मैं आपको कुरान से एक आयत ऐसी निकाल देता हूं जिसमें लिखा है कि और किसी से नहीं मांगना कहते हैं किधर लिखा है मैंने कहा लाए आप वो लेके मैंने कहा जनाब सुरे नवल खोलें पारा नंबर बीस का पहला सफ़ा निकालें और उसमें आयत नंबर सिक्सटी टू आप पढ़ें आऊदबिल्लिन शीम बसमीम अम मईजीबुलम्रदा भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फ़रियाद को दुआ को सुनता है वह एक शिफ और उससे उसकी बुराई को तकलीफ़ को दूर कर देता है और तुम्हें खलीफा करता है जमीन पर अगलों का यानी तुम्हारे मां बाप मरते हैं तो तुम खलीफा बनते हो तुम मरोगे तुम्हारी औलाद क्या अल्लाह के साथ और इला भी है जिसकी ये क्वालिटी हो कि वह मुश्किल और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुने और उसकी तकलीफ को दूर करें अली तक करूं लेकिन नसीहत तो बहुत कम ही तुम हासिल करते हो तो मैंने कहा कि अल्लाह तला ने इसमें फरमा दिया है कि अल्लाह के सिवा अगर किसी और हस्ती के बारे में तुम्हारा अकीदा ना कि वो तुम्हारी तकलीफ दूर करती है और दुआ को सुनती है तो गोया वो इलाह है तुम्हारा दूसरा जाली इला तुमने बनाया हुआ चाहे वह कोई पैगंबर हो फरिश्ता हो जिन हो बुजुर्ग हो या बाबा हो वो गोया आपने इलाह बना लिया मैंने कहीं बताएं ये मैंने तर्जुमा ठीक किया माशा उनको फ़ारसी भी आती थी अरबी भी आती थी इंग्लिश भी आती थी उर्दू भी बेसिकली वो इंडियन कश्मीर के, के रहने वाले थे तो कहते हैं जी ये तर्जा तो आपका ठीक है लेकिन मैंने कहा लेकिन नहीं आप वाम से फैसला करवाते हैं लेकिन तो अब ख़त्म हो गया ना आयत के बाद जब एक वाज बत में से कोई चीज़ आ जाए वहाँ जितने बैठे थे उन्होंने कहा कि आपकी बात जो है ना सौ फीसद ठीक है इसमें बिल्कुल वाजह मौजूद है कि आपने किसी और को नहीं पुकारना तो अगर कोई कहता या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलमदत नाउदिल्ला तो वो गोया हजरत अब्दुलकादिर जिलानी को इलाह मान रहा है कुरान ये कह रहा है हाँ मदद के बगैर कहता है कहता रहे क्या मत तक कहता रहे कोई नहीं सुननी किसी ने ना किसी ने जवाब देना है सूरतलहकाफ में आया कि जिन हस्तियों को तुम पुकार रहे हो ना ना तो वो तुम्हारी आवाज़ सुनते हैं उल्टा क्या मतलब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे और इस तरह का टॉपिक में कई जगह तो ठीक है आप लगे रहे कोई फर्क नहीं पड़ना अल मदद ना बोले वैसे आप जितने मर्जी नारे लगाने हैं जिसके मर्जी लगाएं वो आप मुझे भी पुकारते रहे दुनिया में कहीं बैठ के मुझे भी नहीं पता चलना ना आपको मैंने कोई जवाब देना है लेकिन जैसे ही आप कहेंगे ना अल मदद मेरी फरियाद रसी को पहुंचे मेरी तकलीफ दूर कर दें सर फिर ये मामला शिरक में चला जाएगा ख्वा किसी मरे हुए को पुकारें ख्वा किसी ऐसे जिंदा को पुकारें जिसे आप सामने देख नहीं रहे या उससे कम्युनिकेट नहीं कर रहे एक तो आप फ़ोन पे कम्युनिकेट कर लें वो फिर असबाब में आ जाएगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा एक तीसरा वाक्य आपको सुनाते हैं ये बात है 2012 ही की हमारे ऑफिस में एक कुलीग थे हम दूसरे किसी ऑफिस में गए तो हम दोनों तो वहाँ पे एक दावत इस्लामी के भाई थे वहाँ पे इमामत करवाते थे तो उन्होंने देखा हमें जब सुनत के मुताबिक यदैन से नमाज पढ़ते हुए तो उन्होंने कहा ये नजदी नजदीदी कितने वो ये कौन से नजदी हैं जो हमारे पीछे नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह के हदीस तो के नज़दीक तो ब्रिलियों के नज़दीक पीछे नमाज नहीं होती ब्रलियों के नज़दीक उनके पीछे नमाज नहीं होती तो इसी वजह से उनके दिल में हमारे लिए नरम गोशा पैदा हुआ करते करते उन्होंने हमें अपने घर दावत में बुला लिया और हमने मौका नहीं जाना उन दिनों हमें शौक़ था कि चलें लोगों से बात करें तो गए तो इसी निये से कि इनको तोहद की बात करेंगे उसने आगे से जाल हक निकाल ली मुफ्ती यार खान नईमी साहब की जो हमने नाइनटीन नाइन्टी फोर में पढ़ी हुई थी उस जाल हक में जितने शतानी वसवसे हैं ना तोहहीद के ख़िलाफ़ उन सब का जवाब इस पंफलट दुआ सिर्फ से में मौजूद है अच्छा वो जनाब गुफ्तु होते होते कहता जी कुरान से कोई ऐसी आयत बताएं जिसमें अल्लाह तला ने नबियों से बांगने को मना किया हो मैंने कहा जी मौजूद है कहता जी किधर मैंने कहा सूरत मददा की आयत नंबर 75 फाइव मल मसीह अबन इल्ला रसूल ईसा इबन मरियम तो नहीं थे मगर एक रसूल ही कद गलत मिन कबली रसूल और इनसे पहले भी कई रसूल गुजरे हैं वह उम सिद्दीका और उनकी मां सच्ची औरत थी बेटा उल उल आजम पैगंबर पांच पैगम्बरों में से मोहम्मद रसुल्ला इब्राहिम खलीलुल्लाह मूसा कलीम और नूह सफी और ईसा रूह ये पांच उल उल आजम पैगंबर हैं जो सूर अशूरा और सूरतुल अजाब में अल्लाह ने बताए हैं कोई पैगंबर इनके लेवल का नहीं है उनमें से एक ईसा साहब मरियम भरी जम पैगम्बर और माँ और या की सरदार पैगम्बर की माँ कौन सा बली उसका मुकाबला कर सकता है जिसको अल्लाह तला ने चुन लिया आल इमरान को उनके नाम पर सूरत है इनके वालदा ने मन्नत मानी थी ना कि मुझे एक बेटा मिले तो हैकिल सलमानी टेम्पल ऑफ सलमन की खिदमत के लिए मैं उसे वहाँ के लिए वक्फ कर दूंगी वो मुजावर होगा वहां का और वह दरगाह चलाएगा दरगाह यानी वो पीरी मृदी वाली दरगाहनी तो वाली जिस तरह हमारी भी ये दार अरकम है हम इसे अकेडमी भी कहते हैं और ये हमारी खानका भी है जहाँ पर हम तोहद की दावत पेश करते हैं तो लेकिन वो बेटी पैदा हुई अल्लाह ने कहा कि कोई बेटा भी उस बेटी जैसा नहीं होगा जो हमने तुझे बेटी दी है क्यों कि उस उससे आगे औलाद को हम और हजरत मरियम खुद जान वालों के लिए निशानी बनी है क्योंकि वो बगैर खामद के उनको औलाद हुई है इस हवाले से हजरत मरियम खुद भी एक पूरी इंसानियत के लिए निशानी है अल्लाह की पैगंबर नहीं थी लेकिन बहुत बड़ी अल्लाह की निशानी है ये तीन ही बंदे हैं हजरत आदम सयदा मरियम और ईसा इब्ने मरियम जिनके साथ ये यूनिक केस है आदम के ना माँ ना बाप और हजरत मरियम को बगैर खावन के औलाद और हजरत ईसा इस्लाम की माँ थी बाप कोई नहीं था इस हवाले से इन तीनों की कोई और आप मिसाल नहीं पेश कर सकते तो दोनों आ गए अल्लाह फरमाता है कान याकुल या तमाम दोनों खाना खाने के मोहताज थे मैंने कहा देख लो अल्लाह ताला कह रहा है वो भी मोहताज थे और किसके रोटी के अब आपने कह रहे प्यम्बर रोटी का मोहताज हो गया फिर रोटी का मरतबा ज्यादा हो गया यही कहानियां करा देना अच्छा जी वो अगर चिड़िया उड़ सकती है तो बुजुर्ग क्यों नहीं उड़ सकते तो उड़े ना यार दिखाएं उड़ के तो अगली बात है कि बुजुर्गों के मानने वाले तो चिड़िया से अफजल है ना अशरफुलमखलूकत है ना तो मानने वाले ही को उड़ के दिखा दे तो हम कह देंगे ठीक है आप वरना आप चिड़िया से भी गए गुजर चिड़िया उड़ सकती है यार चिड़िया को अल्लाह ने कैपेबिलिटी दी है इंसान को नहीं दी है इससे अफजरीत गैर अफजरीत का क्या फ़र्क पड़ता है तो अल्लाह फरमाता रोटी खाने के मोहताज से ओम झुर के बीमुल आयात तुम देखो हम अपनी आयात किस तरह खोल कर बयान करते हैं सुम मन फिर तुम इनकी तरफ देखो अन्ना यू फकून ये कहाँ गिरे जाते हैं अल्लाह फरमाता है इससे ज़्यादा मैं कैसे समझाऊँ कि रोटी का मोहताज कोई हो और उसको ये मुश्किल गुशा बनाए बैठे हैं देखो हम आयात खोल के बयान करते हैं और इनका गैर उल्टा ही लगा हुआ है अगली बात ए नबी इन क्रिश्चियन से कहो अल्लाह को, अल्ला को छोड़कर ईसा और उनकी मां इनको तुम इनकी इबादत कर रहे हो माला नफ़ा जो ना मालिक हैं तुम्हारे किसी नुकसान के ना किसी नफे के मैंने कहा देख लो यहां पर आ गया कहता तो हम तो नबी इस्लाम की या बुजुर्गों की इबादत नहीं करते यहाँ तो आया था इबादत करते हो ऐसे की तो ईसाइयों को अल्लाह ने इसलिए कहा कि वो इबादत करते थे हम तो इस्लाम को अल्लाह का बंदा मानते हैं और नमाज में अब्द हुआ रसूलु पढ़ते हैं मैंने कहा ना पुरानिया गल्ला पुराने बाने पुराने बुजुर्ग अगे पढ़ माला यम लिकुलाकुम बर्रह अला नफा ईसा और उनकी मां ना तुम्हारे किसी नफे के मालिक है ना नुकसान के माने कहा इबादत करना छोड़ ना कर इबादत अल्लाह तो यह कह रहा है कि ईसा मुश्किल कुशा है ही नहीं उनकी मां है ही नहीं ना वो किसी को नफा दे सकते हैं ना नुकसान साथ ही चुप कर गया वो बंदा क्यों कि जाल हक में सिर्फ पहले वसूसे का जवाब था दूसरे का उनके पास भी नहीं था इसलिए इसने बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दे दिया कि मैं फौरन क्या और मैं पहले ही सोच रहा था कि जब मैं आयत पढ़ूंगा तो आगे ये कहेगा सर मुझसे ज्यादा कौन बरेलवी जानता है इकतीस साल थोड़ा शिर फैलाया हमने है। लेकिन आप देख लें हजरत उमर छवें नंबर पर आए हैं यानी मुसलमान हुए छह साल बाद चालीसवें नंबर पर तरक्की करके दूसरे नंबर तक पहुंच गए तो छह साल तक मुसलमान नहीं हुए लेकिन जब बात समझ आई है ना फिर जनाब आप देख लें फिर उन्होंने लिहाज नहीं किया किसी का तो मैंने कहा देख एक तो यह मसला हल हुआ और दूसरा देख तुझे ये पट्टी पढ़ाई गई थी कि बुत होते हैं और अल्लाह और अंबिया को अमिंद नहीं कह सकते तो देख यहां पर अल्लाह ने ईसा उनकी मां को भी कहा अल्लाह को छोड़कर ये हस्तियां तो मिंदूनला पैगंबर भी हो सकते हैं जबकि उनको अल्लाह के मुकाबले पर खड़ा किया जाए अच्छा इसमें पैगंबरों का कसूर नहीं है वैसे हम भी मानते हैं कि वह अल्लाह की पार्टी है हिजबुल्लाह हैं पैगंबर और जो शयातीन है वह और उनके फॉलोअर्स वह हिजबुशैतान हैं उन मानों में वह अल्लाह की पार्टी है लेकिन जब तोहीद का मामला आएगा ना फिर जो पैगंबर भी सामने खड़ा किया जाएगा ना तो फिर अल्लाह ताला इस इस चीज का भी लिहाज नहीं करेगा और सूरत की आप आयत नंबर सेवनटीन में देखें ना अल्लाह ताला, ताला फरमाता है तरह कफर मरियम बेशक वो कुफर कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि ईसा इबन मरियम ही अल्लाह हैं फरमाओ कि अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा इन मसीह मरियम अगर अल्लाह हलाक कर दे ईसा इब मरियम को वह उम्मू और उसकी माँ को वह मनफिल अर्धि और जितने जमीन में आबाद हैं सब को मौत दे दे मौत भी नहीं मौत फिर भी थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लफ्ज था हलाक कर दे तुम कह रहे हो ईसा अल्लाह है तो अल्लाह चाहे तो ईसा को हलाक कर दे अच्छा गुस्सा ईसाइयों पर है और जिक्र किसका हो रहा है तो वो मोल साख रही की बात मुझे आ याद आई वो अक्सर कहते थे ओ पाई जो तो बयान करांगे गुस्ताखी आपे ही हो जाती है ऑटोमेटिकली जो तो बयान होएगी जब तौद बयान होगी तो गुस्ताखी ऑटोमेटिकली हो जाएगी यहाँ पे देख लें अल्लाह ने तोहहीद बयान की है और इनके जोम में गुस्ताखी ऑटोमेटिकली हो गई है गुस्सा था ईसाइयों पर अल्लाह ने कह दिया अगर अल्लाह ईसा को हलाक कर दे उसकी माँ को सब को अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ सकता है उसका फैसला गुस्सा ईसाइयों पर लेकिन ज़ाहिर है जब पैगमरों को अल्लाह के मुकाबले पर खड़ा किया जाएगा फिर और कोई जरिया नहीं है समझाने का इनसे होता तो यह कहते यार ये किस तरीके से गुफ्तगु हो रही है वल्ला मुल्कु मुल्क वल अर्द और अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमानों की और जमीन की वमा बई नुमा और जो कुछ इनके दरमियान है यखलुमा यशा वो जो चाहता है पैदा करता है हाय हाय हाँ। अल्लाह ने कहा वो जो मर्जी पैदा करे ईसा भी एक उसका बंदा उसने पैदा कर दिया उसने पैदा किए हैं उसमें से एक ईसा भी है जो चाहता है पैदा करता है वह आलाकुल्ली शई कदीर अल्लाह तला हर चीज के ऊपर कादिर है बहरल ये फिर जो हमारे ब्रेलवी भाई थे ना ये भी लाजवाब हुए ये आपको मैंने तीसरा वाक़ सुनाया चौथा सुने 2017 की बात है इंडिया से हमारी अकेडमी में फोन आया उन दिनों हमारे उस्मान भाई फोन सुनते थे सारे काम अकेले ही कर रहे होते थे तो इन्होंने मुझे बताया जी इस तरह इंडिया से एक फ़ोन आया है एक मुफ्ती साहब का और वो मंज़ूर इस्लाम बरेली में जो आला हजरत का मज़ार के ऊपर मदरसा बना है जिसके नाम से दुनिया में बरेलवियत फैली जिस तरह 1867 में देवबंद मदरसा बना ये 1896 में बना मंजूर इस्लाम बरेली तो वहाँ से काल आई है एक आलम दीन की और वो कहते हैं जी मैंने अली भाई से बात करनी है वो मेरे मोहसिन और मैं अमून कोशिश करता था कि आखिरी दर्जे तक फ़ोन नहीं सुनो लेकिन ये जब उन्होंने कहा नहीं बरेली से है और आलिम है और बात करना चाहते हैं मुफ्ती है हैं कर जी कराए बात इन्होंने खैर उनको टाइम दे दिया अगले दिन का तो मैं उस्मान भाई के मोहल्ले में जाके मैंने इशा की नमाज इनके साथ पढ़ी इशा की नमाज के बाद फ़ोन आ गया उनका इतनी दुआएं दे रहे थे वो और कहते हैं कि मैं यानी सैकड़ों स्टूडेंट्स का उस्ताद हूँ और मैं मदरसे में पढ़ाता रहा हूँ और मैंने मंजिल इस्लाम से डिग्री ली हुई है आपके एक मफलट ने मुझे मुसलमान कर दिया सही मानों में मैंने कहा कौन सा कहते दुआ सिर्फ़ अल्लाह ही से मैंने कही आपने कहते वो आपका मैंने क्लिप एक सुना था उसमें आप कह रहे थे कि ये आप पढ़ें तो मैंने डाउनलोड करके इसे पढ़ा तो मुझे पता चला कि सबसे बड़े शिरक या नंबरदारी दुनिया में आम है आलिम होकर कहता है कि मैंने फिर इकतफा नहीं किया कहता है मैंने तीस पैंतीस को अपने घर खाने पर बुलाया और कहा कि एक जरूरी बात डिस्कस करनी है उनके सामने मैंने पंफलेट शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ दिया जिस तरह के हजरत जाफर तैयार ने नजाशी के दरबार में सुरह मरियम पढ़ के तो तोहहीद बयान की थी अब यह पंफलेट जब को पूरा सुन ले आठ सफे हैं तो जितनी चलाकियां इनके बड़ों ने इनको सिखाई हुई थी और उस मान सन जिन्हें वे मंदिर रहे वो सारी खत्म हो गई कहते जब खत्म हुआ मैंने कहा जी कोई क्वेश्चन किसी बंदे का तोहहीद के वाले से गैर उल्लाह से स्तानत के मसले में तो सारे उलमा ने अपना सर फेंक लिया उन्होंने कहा ये जो कुछ इसने लिखा है ना इस बात का कोई जवाब मुमकिन नहीं है तो उन्होंने कहा यार फिर हमें तो वो कहने लगे फिर कि आला हजरत को बात क्यों नहीं समझ आई हाय हाय अल्लाह अबू जाल अबुल हिकम कहा जाता था नबील इस्लाम की बात उसे समझ नहीं आई है अबू जाल तो हम उसे कहते हैं ना बाद में कहो जालत के बाप वरना वो सबसे बड़ा हकीम था जिस तरह हम कहते हैं डॉक्टर इकबाल को हकीमुल उम्मत थिंकर थिंक टैंक फैसले बड़े बड़े पंचायत जो होते थे बैठती थी पंचायतें जिन्हें हम कहते हैं बड़े बड़े जिरगे उनके वो फैसले करता था अबुल हम अबू जाल इसलिए कहा गया कि यार इसको नहीं बात समझ इतना स्याना बनता था और उसके ग़ुलाम सुमैया और यासिर मार बिन यासर के मां-बाप उनको बात समझ आ गई ये तो अल्लाह के फैसले तो कहता मैंने कहा यार आला हजरत को छोड़ो सूरह अतोबा की आयत नंबर 115 है कि अल्लाह ताला उस वक्त तक मौत नहीं देता जब तक कि एक दफा हक वाज़े न कर दे हर शख्स की जिंदगी में ये मौका आना है तो तुम पे आया तुम कबूल करो तो वो लाजवाब तो हो गए लेकिन आए बाएं शाये करना शुरू हो गया उन्होंने कहा यार अगर हम ये करेंगे तो ये तो हमें यहाँ से निकाल देंगे और हमारा तो हमें कौन मस्जिद में रखेगा अलिदीस के पास जाएंगे वो भी हमें कबूल नहीं करेंगे सबसे बड़ा मसला यही है अच्छा खैर वो बड़ा कह रहा था कि ये बहुत जबरदस्त चीज़ है और हम यहाँ पर दावत का काम कर रहे हैं मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा था कि भाई इसको कैसे हिदायत मिल गई मैंने कहा यार तुम भी तो मौलवी थे तुमने अपनी नौकरी की फिक्र नहीं की है कह लगा जी मैं तो नौकरी करता नहीं हूँ मेरा तो फर्नीचर का बिजनेस है हाँ तो इसलिए मुझे आखिरत की फिक्र अपनी थी अगर मैं भी मस्जिद या का वो वाला होता वो वॉलंटियरली पढ़ाता था बच्चों को तो कहते हैं मैं इससे कमाता नहीं हूं मेरा अपना बिजनेस है मैं उससे खाता पीता हूं मुझे कोई परवाह नहीं कोई मुझे मदरसे से निकाल दे तो मेरी रोटी तो नहीं बांधोनी तो वो जो मैं बार बार कहता हूं ना मेरी रोटी दीन के साथ नहीं जुड़ी हुई मैं दीन से को बेच कर अपने लिए एक रुपया कमाना भी हराम समझता हूं क्यों कि जब रोटी दीन के साथ जुड़ जाएगी फिर आपको कोई हक बात नहीं बताएगा क्योंकि उसे फिक्र पड़ जाएगी कि मेरे साथ क्या बनना है बातें बहुत सारी की जा सकती हैं लेकिन मैं आज की गुफ्तु को कंक्लूड करता हूं उस हदीस के ऊपर जो सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है इंशाल्लाह अगली क्लास का भी कुछ हिस्सा मैं इसी 48 नंबर आयत पे लगाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने मजीद डिस्कस करनी है बहल यहाँ पे मैं हदीस डिस्कस करूँ जो एक हदीस तीन अकीदे आपके क्लियर कर देगी नंबर वन इल्मुल इलमीब नंबर टू हाज़र हाजिर नाजिर और नंबर थ्री अकीद इस्तानत। गैरुल्ला से मदद पुकार मदद के लिए पुकारना एक हदीस जो बुखारी मुस्लिम दोनों में मैंने पोखरेट में भी डाली हुई है सत्तर से हाबा को इस्लाम ने भेजा एक कबीले के साथ जो न्यू मुस्लिम था उनकी ख्वाहिश थी कि हमें आप ऐसे कारी हजरात दें जो हमें कुरान सिखाएं उन्होंने धोखे से उनको शहीद कर दिया उनमें एक थे हजरत आसिम बिन साबित अंसारी रदी अल्लाह तु उनको आखिर में कत्ल किया गया जब वो शहीद होने लगे ना तो उन्होंने उस वक्त एक दुआ की वो अल्फाज थे अल्लाह हमारे नबी को हमारा पैगाम पहुँचा दें कि हम उनके दीन पर क़ायम हैं और हम अपने रब से मिल रहे हैं इस हाल में कि हम अपने रब से राजी हैं और हमारा रब हमसे राज़ी है हमारे हाल की खबर हमारे नबी को कर देना और सही बुखारी के अल्फाज हैं नबीम मस्जिद नबी में बैठे में और आप्लाम पैग़म की कैफ़त है और आप कहते हैं कि तुम्हारे साथियों को जुल्मन शहीद कर दिया गया धोखे से ले गए थे कुरान की तालीम के लिए और रास्ते में मार दिया तो और बुखारी मुस्लिम में आता है नबी इस्लाम ने कितने दिन तक कनूत नाजला भी पड़ी थी सत्तर कारियों के कत्ल होने के ऊपर यार इतनी मेहनत से सत्तर बंदे तैयार किए ये उस ज़माने की बात है जब चंद गिनती के लोग थे जो हज़ू के साथ थे तो उसमें सत्तर तो बहुत बड़ा फिक्र था तो तुम्हारे भाइयों ने मुझे जबराइल ने खबर दी है कि तुम्हारे भाइयों ने मरते मरते ये दुआ है कि अल्लाह हमारे नबी को हमारे हाल की खबर कर देना हम अपने रब से मिल रहे हैं इस हाल में कि उनके दीन पर कायम है ताकि हमारे नबी को तसली रहे कि हमने आखिरी वक्त तक हज़ूर का दीन नहीं छोड़ा इतनी बड़ी आजमाइश में एक एक बंदा हमारी आंखों के सामने कतल हुआ है और आखिर में मैं मर रहा हूँ और मैं भी अपनी जान दे रहा हूँ लेकिन हजूर के दीन नहीं हमने छोड़ा हमारे नबी को हमारा ये पैगाम पहुँचा देना और इस हाल में कि हम अपने रब से राजी हैं इस तकलीफ़ में भी और हमारा रब हमसे राजी वही या इला के तो नफसम इबादी जन्नति तो नबी नबीलाम फरमाते हैं कि जब्रैल मेरे पास आए उन्होंने मुझे खबर दी है सर इस हदीस से यह पता चल गया कि नबीसम जब दुनिया में भी मौजूद थे उस वक्त भी साहबा डायरेक्ट रसुल्ला को मदद के लिए पुकारते नहीं थे बल्कि कहा अल्लाह हमारे नबी को हमारा पैगाम पहुंचा देना उनका एकदा नहीं था इलबुल गैब वाला दूसरा उनका यह भी नहीं था कि इस्लाम यहां मौजूद है तो वो कह रहे होते हाजिरों नाजिर है जिस तरह ये कहते हैं कि खबरें अथर के अंदर मौजूद है लेकिन वहां बैठ के देख रहे हैं हम सबको उनका एकदा नहीं था कि मस्जिद नब्बी में बैठे हुए और वहां बैठ के हमें देख रहे हैं वर्र कहते यार्ला देख लें हम जान दे रहे हैं ए अल्लाह हमारे नबी को बता देना उनका यह भी अकीदा था कि अल्लाह बताएगा तो पता चलेगा ना हज़ूर यहाँ पे हाज़र नाजिर है ना, ना इलम गैब है और ना उन्होंने हजू से मदद मांगी मदद भी अल्ला ही से मांगी और आप देखें उन्होंने यह भी नहीं कहा कि ए ज़ब्राइल हमारे नबी को ख़बर दे देना जब्रैल को भी मदद के लिए नहीं पुकारा लिहाजा हम ये कहते हैं ये जो नात है ना फरिश्तों ये पैगाम दे दो किदम तुम्हारा सही दार है यह भी शिर की अल्फाज है फरिश्तों को आप कोई पैगाम नहीं दे सकते वो ठीक है सुन नसाई में हदीस है कि जमीन में कुछ फरिश्ते सियाहत करते हैं मेरे उम्मियों का सलाम मुझ तक पहुँचाते हैं जो हम पढ़ते हैं असलम नबी यूं नमाज में लेकिन उनकी ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है आपने फरिश्तों को नहीं पुकारना ये उसी तरीके से है कि अमीकाइल बारिश बरसात है कि गर्मी का मौसम करीब आ रहा है ए है एक कहानी शरीफ ही है ठीक है तो ना जब्रैल को पुकार सकते हैं ना अमीका को पुकार सकते हैं हीद के मामले में तो किसी को अपने साथ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं नॉट अटॉल तो ये हदीस मैं अक्सर कहता हूं कि ये एक हदीस तीन अकीदे क्लियर करती है इल्मीब का हाजिर नाजिर का कीदा और गैर उल्लाह को मदद के लिए पुकारने का कीदा तीनों के तीनों अकीदे जो इन्होंने फ्रॉड पे मबनी है इनके और जो जायज उसकी सूरतें वो हम मानते हैं उस पर आप इल्म पर मैंने दो लेक्चर दिए हैं मसला सिक्स ए और सिक्स बी सिक्स एमब से मुतलिक है सिक्स बी कशफ इल्हाम और ख्वाबों से मुतल मसला नंबर सेवन हाज़र नाजिर से मुतल है और इस्तानत के ऊपर मसला नंबर थ्री है और उसी पर पे रिसर्च पेपर नंबर थ्री है दुआ सिर्फ़ अल्लाह ही से तो मेरी तो ख्वाहिहश थी कि आज ये गुफ्तु मुकम्मल हो जाती है लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं वो इन शगली दफ़ा डिस्कस करूँगा अल्लाह तला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताली हमारे दिलों में रासिक फरमाए अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से उसे माफ़ कर दे धो दे हमें मुआफ भी फरमा दे हमें किताब व सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन जज़ाकुमुल्लाहु खैरा